हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही की रसोई। तो फ्रेंड, आज हम न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन से ढोकला। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने आधी कटोरी पानी ली है और इसमें आधा चम्मच शुगर ऐड किया है और एक चौथाई हमने फूल नींबू के फूल ऐड किए हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने 2 कप बेसन लिया है। बेसन को अच्छे से हम छान लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। आधा चम्मच में हम हल्दी ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे फ्रेंड, आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे 1 चम्मच। ऑयल की कुछ बूंदे ऐड कर देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक साथ हम पानी ऐड नहीं करेंगे। और स्मूथ सा बैटर हमें बनाना है। इसे अच्छे से फेटेंगे जब तक हमारा बैटर स्मूथ ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड तक करते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। एक स्मूथ सा बैटर तैयार रेडी हो गया है। अब हम झटपट से एक चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने लहसुन लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं, दो से तीन चम्मच सिंगदाने लिए हैं, नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच चीनी, और इन्हें अच्छे से ग्राइंड करेंगे। फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे फ्रेंड। इसमें हरा धनिया ऐड करके हम इसे अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। हम हरी चटनी बना रहे हैं इसलिए हमें ढेर सारा धनिया ऐड करना है। तो फिर देखिए, हमारी चटनी पीस गई है। फटाफट से मेरी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम अपना एक स्टैंड रख देंगे और एक वॉयल आने देंगे। आप चाहे तो ऐसे स्टैंड भी ले सकते हैं या फिर कोई बर्तन ले सकते हैं, कटोरी, उसे पलट कर हम रख कर सकते हैं। अभी हम ढक के हम एक बॉयल आने देंगे। फिर हम एक कंटेनर लेंगे, इसमें ऑयल डाल के हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसमें हम फटाफट से अपना बैटर देखेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इनो ऐड कर देंगे। इसमें से आधा बैटर हम अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा पानी में ऑयल आ गया है। तो फटाफट से आधा चम्मच इनो ऐड करेंगे और कुछ पानी के बूंदे डाल के हम इसे अच्छे से फेटेंगे। हमें देर नहीं करना है, झटपट से हमें इसे फेंटना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा बैटर रेडी हो गया है। इसे हम कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इसे हम कढ़ाई में रख देंगे और ढक के हम इसे पकाएंगे कुछ मिनट। 10 से 15 मिनट हमें पकाना है। फिर इसे हम खोल के चेक करेंगे। इसे तो पिट की मदद से या चाकू की मदद से हम अच्छे से चेक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैं तो में बिल्कुल भी नहीं लगा। इससे इसका मतलब यह है कि हमारा ढोकला पक गया है।
अब हम इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे, जो हमने हरी चटनी बनाई थी इसे अच्छे से फैलाएंगे। अब फटाफट जो हमने इसे ढक के पका देंगे, और फिर जो आधा बैटर हमने लिया था इसमें इन्वर्ट करेंगे, फटाफट से फेटेंगे और चटनी के ऊपर हम इसे ऐड कर देंगे और फिर से ढक के हम फिर पकाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ढोकला रेडी हो गया है। इसे थुप्पी की मदद से हम चेक कर लेंगे, तो ढोकला बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसे बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना एक तड़का तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 2 से 3 चम्मच हमने ऑयल लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम राई के दाना ऐड कर देंगे। जब राई हमारा चटकने लगेगा तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। फिर इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। फिर इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच शुगर ऐड कर देंगे। एक वायल आने तक इसे हम पकाएंगे। तो फ्रेंड हमारा ढोकला अब ठंडा हो गया है। अब इसे हम अच्छे से चाकू की मदद से चारों तरफ छुड़ा के इसे एक प्लेट में पलट के अपना ढोकला बाहर कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा ढोकला कितने अच्छे से सॉफ्ट स्पंजी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इन्हें फ्रेंड हम चाकू की मदद से कट लगा देंगे। देखिए कितने स्पंजी ढोकले हमारे बने हैं। ढोकला हमारा रेडी हो गया है, इसके ऊपर हम तड़का ऐड कर देंगे।